गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपनी हिंदी की पुस्तक व्याकरण विधि का पाठ 3 पढ़ेंगे और पाठ का नाम है शब्द विचार। सबसे पहले आप ये बताइए कि शब्द किसे कहते हैं, यानी वर्णों को मिलाकर शब्द बनते हैं। जैसे आप इस चित्र में देखिए कि एक जादूगर अपनी हैट में से वर्ण निकाल रहा है और उन वर्णों से शब्द बना रहा है। जो हमारे स्वर और व्यंजन होते हैं वो सभी वर्ण होते हैं और उनको मिलाकर हम नए नए शब्द बनाते हैं। लेकिन जब हम इन वर्णों को सही क्रम में लिखते हैं तभी शब्द बनते हैं। यदि आप इन्हें अलग गलत क्रम से लिखेंगे तो शब्द नहीं बनेंगे, ना ही उनका कोई अर्थ होगा। जैसे लकम, लकम कोई शब्द नहीं है, या गल शम, ये भी कोई शब्द नहीं बना। तो जब आप इसे सही लिखेंगे कलम और शलगम, तभी ये शब्द बनेंगे। ओके स्टूडेंट्स, जब वर्ण सही क्रम में लिखे जाते हैं तो उनके मेल से अर्थ देने वाले सही शब्द बनते हैं, जिसे सुनकर हम समझ जाते हैं कि उनका अर्थ क्या है। इस पाठ में हम कई तरह के शब्द पढ़ेंगे, जैसे पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, श्रुति संभिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। परंतु सबसे पहले हम पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे। आप इस पिक्चर को देखिए, यह पिक्चर किसकी है, एक बगीचे की। बगीचे को हम और क्या क्या कहते हैं, बाग या वाटिका भी कहा जाता है। तो बगीचा, बाग, वाटिका, ये तीनों एक ही जगह के नाम हैं, तो ये तीनों शब्द क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह सूरज, सूर्य, रवि, ये सब किसके नेम हैं, सूरज के। तो सूरज, सूर्य, रवि, ये भी पर्यायवाची शब्द हैं। इसी तरह पक्षी, पक्षी को हम और क्या क्या कह सकते हैं, खग, विहग। और घर के लिए हम और किन वर्ड्स को यूज़ करते हैं, जैसे घर, आलय, निकेतन, ये भी पर्यायवाची शब्द हैं। तो अब आपने इन चित्रों को देखकर समझा कि एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं लेकिन उनका अर्थ एक ही होता है। तो ऐसे शब्दों को जिनके अर्थ सेम होते हैं, यानी समान होता है, तो उन्हें हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं, या फिर इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। जब एक ही वस्तु के कई नामों से बुलाया जाता है, एक ही चीज़ के कई नाम होते हैं, तो उसे पर्यायवाची कहते हैं। तो आइए कुछ और पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं। जैसे फर्स्ट वर्ड है जंगल। जंगल को हम क्या कहते हैं, वन, कानन और विपिन। नेक्स्ट सेकेंड वर्ड है हवा। हवा को हम और किन किन नामों से बुलाते हैं, वायु, समीर, अनिल। थर्ड वर्ड इज माँ। माँ को कहा जाता है माता, जननी, अम्बा। फोर्थ वर्ड इज पेड़। पेड़ को हम कहते हैं वृक्ष, तरु या विटप। घोड़ा। घोड़ा को हम अश्व, तुरंग या घोटक भी कहते हैं। सिक्स्थ वर्ड है आसमान। आसमान को हम आकाश, अंबर या गगन कहकर बुलाते हैं। सेवन्थ वर्ड है भगवान। भगवान को हम प्रभु, ईश्वर या परमात्मा भी कहते हैं। एट्थ वर्ड कपड़ा। चीर, वसन, अंबर, ये सब कपड़ा के नाम हैं। नेक्स्ट चांद। चांद मीन्स चंद्रमा, शशि या राकेश भी कहा जाता है। दूध। दूध को हम दुग्ध, पेय या क्षीर भी कहकर बुलाते हैं। तो ये 10 पर्यायवाची शब्द आपको अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखने हैं व याद भी करने हैं। आप इन शब्दों को ध्यान से पढ़ें, समझें और अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 18 ओपन कीजिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, दिए गए शब्दों में सही पर्यायवाची शब्द पर
गोला लगाइए, यानी सर्कल करना है हमें सही पर्यायवाची को। जैसे चांद, चांद को क्या कहा जाता है? दुग्ध, चंद्रमा या शशि, तो चांद को चंद्रमा कहा जाता है। हवा को वायु, धरा या वार, वायु। पेड़ को हम क्या कहते हैं? वसन, वृक्ष या नीर, तो वृक्ष पर सर्कल करेंगे हम। पहाड़, पहाड़ को प्रभात, अंक या पर्वत, तो पहाड़ को पर्वत कहा जाता है। नदी, सरिता, सुमन या कुसुम, तो नदी को सरिता कहा जाता है, इसलिए हम सरिता पर सर्कल करेंगे। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है, दिए गए चित्रों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखें। तो ये पहला चित्र किसका है? चांद का। चांद को हम क्या कहते हैं? चंद्रमा या शशि। नेक्स्ट पिक्चर में हमें पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो पेड़ को हम क्या कहते हैं? वृक्ष, पेड़ या तरु भी बोला जाता है। नेक्स्ट पिक्चर है घोड़ा, यानी घोड़ा को हम क्या बोलते हैं? अश्व या तुरंग। और नेक्स्ट फूल, फूल को क्या कहा जाता है? सुमन या कुसुम। यहाँ पर आपने दो दो पर्यायवाची लिखने हैं, आप वो कोई भी दो पर्यायवाची लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।